काट रहा है क्या? वो नहीं काट रहा। आ जा, मार रहा, गुस्सा आया था तुम्हारा जी? गुस्सा से नहीं लाया है। ले जाओ फिर। हाँ चीटे हैं, जल्दी चलो। कहीं चीटी, कहीं चीटे, कहीं छुपकली, कहीं बंदर, तुम दोनों मैचिंग मैचिंग। चलो अस्सलाम वालेकुम बेटी खाला, खालू से बात हो गई, ईद मुबारक कह दी? हाँ, वालेकुम सलाम सब। बारिश, ये देखो। फ्रेंड्स, बारिश आ गई फाइनली। अभी जस्ट मैंने कार में 2 मिनट पहले कहे कि बारिश नहीं आ रही, और अपनी बता रही मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही, रुक ही नहीं रही, और यहाँ पे आ गई, यकीन ही नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा इंतजार था, पर इतनी अच्छी लग रही हो। तो तुम्हारे पास सबसे यूनिक हो डिजाइन, वो लगाना, वो अच्छी लगाती है। आप बड़े प्यार से आज मेहंदी लगा रही है भाई, हमारी शादी के बाद यार, इसलिए मैं लगवा रहा हूँ, रात भर जगना है ना, तुम लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिछा ले, ऐसे कर ले रहे ना, तो खराब नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने का टाइम मिला है, और सनी ने खुद इस बार दिल से चाहे कि हम मेहंदी लगा ले, तो वो खुद काजल को गए लेके आए, सब कुछ भी मेहंदी लग रही है, पैरों में जो है वो लग चुकी है, लेकिन अब प्रॉब्लम है, क्लीन अप कराना है। काजल कह रही अगर आप उतर के चलोगे ना, तो पूरा फर्श गंदा हो जाएगा, मेहंदी बिगड़ जाएगी, अब मुझे यहाँ से वहां तक जाना है, तो पता है मैं कैसे जा रही हूँ? कैसे जा रही हूँ? किसको? बस सारी चूड़ी। हाँ, पूरे खानदान की। किसी किसके लिए आई हो बताओ? मैं सालू अप्पी की, फिर अम्मा की, फिर अफरोज की, फिर उनकी मम्मी की, और फिर उनकी जो भी कोई वहाँ पे रहती है, देवरानी। हाँ, देवरानी। अम्मा में कंफ्यूज होते थे, अम्मा क्या नाम रखेंगे? सासू मॉम। क्योंकि दो अम्मा है ना, तो कंफ्यूज होता है, ये अम्मा क्यों वाली है? कैसी लेके आई तुम? काम करिएगा, कल इंशाल्लाह जब सब पहनेंगे ना, तब आप देख लीजिएगा। वेली भी लगवाओ और खाना भी खिलाओ, ये बढ़िया सिस्टम है। कितनी अच्छा है, बहुत अच्छी राइटिंग है, ये हैंड मेड हो, एकदम टैलेंटेड है। चलो भाई, कब लग गई मेहंदी, इनको छोड़ जाता हूँ मैं, ठीक है? चलो, रात काफी हो गई, 2 बज रहा है। चलो भाई, मैं आ जाती हूँ, देखते हैं बारिश, जल्दी आ, फटाफट आराम से करना। चलो जाओ, ठीक है, जाओ अंदर, जा जल्दी जा। चलो ठीक है, जाओ। चलो मेहर को और काजल को घर तक छोड़ दिया, मैं भी आ गया हूँ घर, लाइट चली गई, बारिश बहुत तेज हो रही है, चलिए चलते ऊपर। तो मैंने जो है फ्रेंड्स, फाइनली लग चुकी है, बस ये टिप्स की जो है ना, वो सूख नहीं रही है, पता नहीं कब सूखेगी, फिर सोना भी है, और सनी बिस्तर में जगह देने से ज्यादा बेटर है। तो पीछे ऐसी सिंपल वाली डिजाइन लगाई, आगे कुछ नहीं लगवाया, क्योंकि अब बहुत थकान हो रही थी, और मैंने कहा बस ठीक है, आगे वैसे भी कौन देखता है, आगे बस ये लिखवा लिया है, और पैरों की डिजाइन भी आपको दिखाते हैं। कैमरा मैन चले, सो जाऊं मैं अब? हाँ, रूम की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त अजीब हो रही होगी, तो कल एकदम सेट करके ईद के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज। इस बार की ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्पेशल है, सनी के साथ पहली ईद है, और यहाँ पे भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन अपनी वहाँ वाली फैमिली को भी मिस कर रही हूँ, और स्पेशली सबसे ज्यादा अम्मी को, क्योंकि आज मैंने जब उनको कॉल किया तो वो चूड़ी लेने भी नहीं जा पाई अकेले, क्योंकि वहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, और अभी भाई भाभी भी वहाँ पे भी है, बेबी भी अभी वहाँ पे भी है, सब लोग अलग अलग है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, हम सब इंशाल्लाह मिलेंगे इकट्ठा। फिर जब फैमिली जब साथ होती है, तो हर दिन फेस्टिवल जैसा ही होता है, तो फिर अम्मी को मेहंदी भी लगवाएंगे, चूड़ियां भी पहनवाएंगे, और सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो घर की कमी महसूस कोई नहीं करने दे रहा है, और सनी ने तो सबसे ज्यादा ख्याल रखा है अम्मा ने भी, तो अभी के लिए अल्लाह फिर, जो थोड़ी बहुत कमी होती है तो वो बेटी खाला भी पूरी कर देती है, तो और फुप्पिया भी आ जाती है, किसका किसका नाम लूं समझ में नहीं आता, सबसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर